नमस्कार रेप्टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर मलिहाबाद विकास खंड माल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना के टीकाकरण को लेकर हो रहा खिलवाड़ आपको बताते चले कि माल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीकाकरण को लेकर हो रहा खिलवाड़ जहां लोग इस कड़ाके की ठंड में सुबह से ही लाइन में कोविड नाइन्टीन के टीका लगवाने के लिए खड़े रहते हैं वहीं ग्यारह बजे तक कोई स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं आते टीकाकरण के लिए सोमवार सुबह जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल के टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने वालों की भीड़ दिखी पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी मौके पर नहीं दिखा जहां एक तरफ कोविड 19 अपने पैर पसार रहा है आए दिन मरीजों में वृद्धि सरकार और समाज के लिए चिंता का विषय बनी हुई है लेकिन माल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदार लोग खिलवाड़ कर रहे हैं सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि टीकाकरण से कोई भी वंचित ना रहे वहीं माल सी के एक स्वास्थ्य कर्मचारी से जब पूछा गया कि टीकाकरण का समय सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक है और आज ग्यारह बजे हैं कोई स्वास्थ्य कर्मचारी टीका क्यों नहीं लगा रहा तो उस स्वास्थ्य कर्मचारी ने उत्तर दिया आज ठंड बहुत हो रही है इसलिए इस समय टीकाकरण देरी से हो रहा है जब सरकार से वेतन लेने वाले और जिम्मेदार लोग इस तरह पल्ला झाड़ रहे हैं तो वहीं पर मौजूद कई साठ वर्ष के ऊपर के भी लोग थे जो ठंड के कारण कांप रहे थे पर इस आस में लाइन पे लगे हुए थे कि जल्दी नंबर आएगा तो घर भी जल्द पहुंचेंगे कई महिलाएं भी थी जो परेशान नजर आए इस सब का शिकार आम आदमी हो रहा है जहां सरकार 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक स्कूलों में कैंप व घर घर जाकर भी टीकाकरण करवा रही है वहां कोविड 19 से लड़ने के लिए सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है लेकिन माल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस तरह होता है खिलवाड़ जबकि कई एनजीओ भी बराबर कर रहे हैं सहयोग वहीं कोविड प्रोटोकॉल की भी उड़ा रहे हैं धज्जियां जहां पूरे विश्व में दो गज दूरी और मास्क है जरूरी ऐसा नियम है जिसका पालन सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ करने पर जोर दे रहे हैं जिसका पालन सरकार व प्रशासन भी टीकाकरण केंद्र, केंद्र पर भीड़ और बगैर मास्क के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे इस आपदा काल में भी नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा जिसका परिणाम है कि मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है यादव की रिपोर्ट